बच्चों आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सरफेस टेंशन ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन देखते हैं क्या होता है इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट लिक्विड्स एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर वाई इज इट देन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी फॉर्म स्फेरिकल बीड्स इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग ऑन द सरफेस वाई डू पार्टिकल्स Of soil at the bottom of river remains separated but they stick together when taken out. Why does a liquid rise in a thin capillary as soon as the capillary touches the surface of the liquid? So all these phenomena are caused due to the characteristic property of liquids that is called surface tension. तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये मरकरी जो है वो क्यों स्प्रेड नहीं होती है वो बॉल्स क्यों बनाती है ड्रॉप्स क्यों बनाती है स्मॉल ड्रॉपलेट्स वाटर भी बनाता है ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स क्यों बन जाते हैं इसका रीज़न ये है बच्चों कि इसकी लिक्विड्स की सरफेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं उन स्ट्रॉग अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ये चाहते हैं कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम रहे क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ना जब फोर्सेस uh, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी सरफेस पे तो वो सिस्टम चाहता है कि एनर्जी कम से कम रहे तो उसके कारण वो चाहते हैं कि सरफेस पर कम से कम मॉलिक्यूल्स रहें इसलिए वो एक छोटी ड्रॉपलेट के रूप में शेप ले लेते हैं क्योंकि स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होता है ना इसलिए वाई डू पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एट द बॉटम ऑफ रिवर रिमेन सेपरेटेड बट दिस स्टिक टुगेदर व्हेन दे टेकन आउट इसमें क्या रीज़न है कि जो सॉयल के बीच बीच में जो पोर्स होते हैं ना उसमें वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है कैपिलरी वाटर बोलते हैं इसको तो वो उसके साथ साथ आ जाता है सॉइल का जब आप सॉइल बाहर निकालते हो ना तो पानी साथ में रहता है ये भी सरफेस टेंशन के कारण है सरफेस टेंशन में ना दो, दो तरह के अट्रैक्शन फोर्सेस हैं जैसे अगर सब्सटेंस में या लिक्विड में अपने खुद के पार्टिकल्स के लिए अट्रैक्शन फोर्स है तो उसको कोहेजन फोर्स कहते हैं वो तो है ही सही इसके अलावा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में दूसरे सब्सटेंसेस के लिए भी अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं तो इस वाटर में ये टेंडेंसी है कि ये ग्लास की या अगर आपने कैपिलर ट्यूब डाली उसके अंदर तो उसके प्रति इसके अंदर आकर्षण होता है इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर और वो जैसे ही आप कैपिलरी टच करते हो सरफेस से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होके ग्लास ट्यूब के सरफेस से उसके ऊपर अंदर चढ़ना शुरू कर देते हैं आपस में कोहिजन फोर्स भी है और साथ साथ में एडहेसिव फोर्स भी है तो उसके कारण इनकी दूसरे सब्सेंसेस के लिए भी अट्रैक्शन है तो टेंशन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हो जहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो एक्शन में आ रहा है जैसे कि आप टॉवल से जब बॉडी को रब करते हो तो देखते हो सारा पानी जो है वो सर सोक कर लेता है टॉवल तो वो क्या हो रहा है उसमें सारे पोर्स में जो कैपिलरी का, का काम कर रहे हैं और सारा जो वाटर है उसमें सोक हो जाता है बिकॉज ऑफ द एडेसिव फोर्सेज है ना एडेसिव अट्रैक्शन फोर्स है दूसरे सब्सटेंसेस के लिए वाटर के अंदर all these phenomena are caused due to, due to the characteristic property of liquids called surface tension a molecule in the bulk of liquid experiences equal intermolecular forces from all sides the molecule therefore does not experience any net force but for the molecule on the surface of liquid net attractive forces towards the interior of the liquid due to the molecules below it since there are no molecules above it in the picture देख रहे हो सरफेस से जो मॉलिक्यूल है उसमें नीचे की तरफ और आए दाएँ बाएँ तो लग रहे हैं फोर्सेस है। लेकिन ऊपर की तरफ कोई है ही नहीं कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लगाने के लिए तो ये इसमें जो है इसमें एक नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ ऊपर नहीं है ना बैलेंस करने के लिए तो इसलिए जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बिल्कुल टेंशन में रहते हैं जैसे बहुत स्ट्रांग अट्रैक्टिव फ़ोर्स फील करते हैं एक दूसरे के लिए और उसको छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं सरफेस को लिक्विड स्टैंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया यही सरफेस टेंशन है द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड हैव मोर एनर्जी ओके

है ना अगर अंदर लिक्विड के अंदर से आप एक मॉलिक्यूल uh, को निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस को आपको ओवरकम करना पड़ेगा नेचुरली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि आप उस मॉलिक्यूल को निकाल सको दिस विल रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय वन यूनिट इज डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी अंडरस्टूड अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हो किसी लिक्विड का बाय वन यूनिट तो आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी ओके इट्स डाइमेंशंस आर जूल पर मीटर स्क्वायर जूल हो गया एनर्जी के लिए और मीटर स्क्वायर है एरिया uh, का सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इसको मैं समझाती हूँ आपको कि अगर आप मान लीजिए लिक्विड की सरफेस पे एक ऐसे ही एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो सपोज ये लिक्विड uh, की सरफेस है और आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली है तो इसके जो परपेंडिकुलर फोर्सेज लग रहे हैं ना अट्रैक्शन फोर्सेज मॉलिक्यूल्स के बीच में उन्हीं को पर पर यूनिट लेंथ उसी को क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं ना सरफेस टेंशन इज अ डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ओके समझ में आया आपको अच्छा uh, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर गामा इट हैज़ डायमेंशन ऑफ के पर सेकेंड स्क्वायर के जी पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया क्योंकि गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन एल है ना फोर्स पर लेंथ तो फोर्स का आपने यूनिट लिखा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स इज इक्वल टू एम इन ए होता है ना तो एम की यूनिट हुई के जी और ए की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो उसमें डिवाइडेड बाय एम यूनिट ऑफ लेंथ तो एम से एम कट गया और आपका बचा है के जी पर सेकेंड स्क्वायर एंड इन एस आई यूनिट इट इज़ एक्सप्रेस एज न्यूटन पर मीटर ये तो सीधा फोर्स इंटू फोर्स बाय लेंथ है ना फोर्स बाय लेंथ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द लिक्विड विल बी व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम तो रीज़न ही यही है कि uh, सबसे कम मॉलिक्यूल क्यों रहना चाहते हैं सरफेस पे ताकि जो सरफेस की एनर्जी है वो कम हो सके ओके तो इसलिए सरफेस एरिया जो है मिनिमम चाहता है हर लिक्विड स्फेरिकल शेप सेटिस्फाइज दिस कंडीशन दैट इज़ वाई मर्करी ड्रॉप आर स्वेरिकल इन शेप और मरकरी में और वॉटर में ये डिफ्रेंस होता है बच्चों की वॉटर में एडहेसिव फोर्सिज भी बहुत स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू कोहेजिव फोरसेज लेकिन मरकरी में कोहेजिव फोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर आप कैपुलरी मरकरी में डालोगे ना तो वो मरकरी उसमें ऊपर नहीं चढ़ेगा वो नीचे चला जाएगा लेवल क्योंकि इसमें क्या कोहेसिव फोर्सेस आर मोर स्ट्रोंगर देन एडहेसिव फोर्सेस इसलिए दिस इज द रीजन दैट शार्प ग्लास एजेस आर हीटेड फॉर मेकिंग देम स्मूथ ऑन हीटिंग द ग्लास मेल्ट्स एंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंस टू टेक द राउंडेड शेप एट द एज दैट विच मेक्स द एजेस स्मूथ दिस इज कॉल्ड फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास तो समझ में आया आप री, क्या रीजन है अगर आपको ग्लास को स्मूथ करना हो तो आप उसको हीट क्यों कर रहे हो क्योंकि आप उसको लिक्विड में चेंज कर रहे हो क्योंकि आपको पता है लिक्विड बनेगा तो ये एक बहुत स्पेरिकल शेप ले लेगा कम से कम सरफेस एरिया होगा लिक्विड टेंड्स टू राइज और फॉल फॉल इन द केस ऑफ मर्करी राइज इन द केस ऑफ वाटर इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन लिक्विड्स वेट द थिंग्स बिकॉज दे स्प्रेड अक्रॉस देयर सर्फेसिज एज थिन फिल्म रीजन बिहड एडेसिव फोर्सेज क्यों वेट कर देते हैं चीज़ों को क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स है फॉर द अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो और वो एक पतली सी थिन बना लेते हैं उनकी सरफेसेज पर वेट हो जाती है ना हर चीज़ पेपर टॉवल कैसे आपका वाटर सोक कर लेता है क्योंकि बीच बीच में पोर्स है ना उनके अंदर <coughs> वाटर कैपुलर रिएक्शन से चढ़ जाता है मॉइस्ड सॉयल ग्रेन्स और एग्जाम्पल देखो आप डे टू डे लाइफ में मॉइस्ड सॉइल ग्रेन्स आर पुल टुगेदर बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ थि फिल्म ऑफ वाटर इज रिड्यूज आप मान लो मिट्टी जो है बाहर निकालते हो तो देखते हो कि सारे मिट्टी के पार्टिकल्स आपस आप में चिपके हुए हैं क्योंकि उनके बीच में जो स्पेसिस हैं ना वहाँ पर वाटर uh, की फिल्म है वाटर है वाटर के मोलिक्यूल्स हैं और वो uh, अपने एरिया को बिल्कुल मिनिमम रखना चाहते हैं अपनी सरफेस को तो सारे मिट्टी के कण जो हैं एक साथ चिपके हुए लंप की फॉर्म में आपके पास आ जाते हैं इट इज़ सरफेस टेंशन विच गिव्स स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी टू द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इसी प्रॉपर्टी के कारण जो ऐसा लगता है ना कि एक वाटर स्ट्राइडर जो है वो वाटर की सरफेस पे कैसे चल लेता है भाई उसका वेट तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से फिर भी वो भागता है पानी के ऊपर सरफेस के ऊपर ऐसा लगता है जैसे जैसे प्लास्टिक की वाटर ना हो के वो एक प्लास्टिक की लेयर हो तो वो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है मॉलिक्यूल के बीच में कि वो उसको पानी में दौड़ने देते हैं और उसको तोड़ते नहीं हैं उसको फिल्म को और उसके सरफेस को और उसका जो कुछ पैरों में भी इस तरह से होता है कि वो आराम मूव कर पाता है वाटर की सरफेस के ऊपर इसके अलावा आप बिल्कुल पतली सी निडिल को भी आप तैरा सकते हो ध्यान से रखोगे ना पानी की सरफेस पे तो वो तैरने लग जाएगी वो तोड़ नहीं पाती उस अट्रैक्टिव फोर्सेस को बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन फ्लैट सरफेस ड्रॉपलेट्स आर स्लाइटली फ्लैटन बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये तो इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी है जिसके कारण जो है आपको फिर भी ड्रॉपलेट्स जो है वो बिल्कुल स्पीयर नहीं दिखाई देती है कभी कभी वो एडहेसिव फोर्सेस के कारण और ग्रेविटी के कारण वो फैल जाती है ना सरफेस पे फ्लैट सरफेस पे अदरवाइज अगर ग्रेविटी ना हो तो बिल्कुल राउंड स्फियर जो है वो आपको सरफेस पे मिलेगा वाटर का बट इफ इन द ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट्स ड्रॉप्स आर परफेक्टली स्फीयर द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे उतना ज़्यादा उसका सरफेस टेंशन होगा अगर आपको अट्रैक्टिव फोर्सेज को कम करना है ना इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स तो कुछ सब्सटेंसेज uh, हैं जैसे सोप है उसको सरफेक्टेंट बोलते हैं वो सोप मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं उसका सरफेस टेंशन कम कर देते हैं वाटर का और इसके इसे क्यों करना पड़ता है ऐसा ताकि वाटर जो है वो कपड़े के पोर पोर के बीच में घुस जाए अच्छे से सरफेस टेंशन कम होगा तो वो एडहेसिव फोर्सेस बढ़ेंगे ना आपस में कोई भी कम कर दिए आपने तो वो पानी के पो, कपड़ों के पोर्स के अंदर जाके अच्छे से सफाई क्लीनिंग कर सकता है और और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को एक एक जो है लिक्विड का नेचर कि लिक्विड का नेचर कैसा है अगर बहुत ज़्यादा हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना तो भी सरफेस टेंशन कम होता है व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर लार्ज द सरफेस टेंशन इज लार्ज इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस ऑफ इंटर अट्रैक्शन डिक्रीजेज़ सो द सर्फेस टेंशन डिक्रीज एज द टेम्परेचर इज़ रेज अगर आपको सर्फेस टेंशन कम करना है ना किसी लिक्विड का तो आप उसको हीट कर दो तो उससे क्या होगा कि वो उसके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो टूट जाएंगे और सर्फेस टेंशन कम हो जाएगा इसके एग्जाम्पल बताऊँ आपको देखो आप पानी गर्म करके अगर कपड़े धोते हो ना तो कपड़े ज़्यादा साफ़ होते हैं उसका रीज़न यही है कि सर्फेस टेंशन आपने कम कर दिया और वो सारे कपड़े के पोर्स के अंदर घुस जाएगा अब इसी तरह से जब आप गरम चाय पीते हो या गरम कोई भी चीज़ गरम खाते हो तो आपको ज़्यादा टेस्टी लगती है वो उसका रीज़न यही है कि गरम करने से उसका सरफेस टेंशन कम हो गया उस लिक्विड का और अब वो आपकी जो टंग पे है बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और आपको टेस्ट अच्छा आएगा और गर्म नहीं होता ना तो सर्फिस टेंशन ज़्यादा होने के कारण आपको उसके अंदर टेस्ट ही नहीं आता वो स्प्रेड नहीं होता क्योंकि सर्फिस टेंशन का कम करने का मतलब ये है कि आप उसको स्प्रेड कर रहे हो लिक्विड को और ऐसे ही सरफेस टेंशन इतना सिग्निफिकेंट है कि जो पानी पौधों में नीचे से जड़ों से ऊपर तक पहुंचता है वो बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन और भी फैक्टर्स हैं लेकिन कैपिलरी एक्शन भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर पानी मिट्टी में भी पानी जो है वो कैपिलरी वाटर कहलाता है जिसको पानी की जड़ें जो है पौधे की जड़ें जो है वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो सरफेस टेंशन इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फिनोमिना इन अवर डे टू डे लाइफ आई होप आपको समझ में आया होगा